बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज महमूद खान चीफ मिनिस्टर केपी आपको ख़ास तौर पे आज मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये जो आपने पार्टनरशिप की केपी ने वर्ल्ड बैंक के साथ और नेस्ले के साथ, ये उस प्रोजेक्ट के लिए की है जो मैं बड़ी देर से समझ रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। क्योंकि हमारी बदकिस्मती से हमारी जो टूरिस्ट साइट्स हैं, जो पुरानी टूरिस्ट साइट्स थी, मसलन नारान, मरी, नथा गली, ये जो पुरानी साइट्स हैं, इनके ऊपर हमारी ज़िंदगी के अंदर इनमें हमने देखा कि अनप्लान्ड टूरिज्म ने कितना नुकसान पहुँचाया। मरी का मैं पढ़ रहा था एक अंग्रेज़ के गैजेटियर में कि 1890 में वो लिखता है, 1890 में मरी का, कि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है 1890 में, तो ये जो सस्टेन नहीं कर सकेगा इलाका इस आबादी को। सो हमारी जो हमारे सामने मरी एक बड़ी कंट्रोल्ड होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग्स बनती गई, फिर उसका मौसम बदलता गया और अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से जो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। अभी भी जो नथिया गली है वो मैं ख़ास तौर पे आज़म खान को क्रेडिट देता हूँ कि बचा लिया नथिया गली, और अभी भी जो जीडी है उसने प्लानिंग की हुई है, रोक रहा है अनप्लान्ड डेवलपमेंट। लेकिन मुझे जो खौफ है कि ये जो बड़ी खूबसूरत साइट्स कई मैंने खुद देखी हुई हैं, कुमराट की मसल मैं खुद गया हुआ हूँ और सपोर्ट वैली मैं देखी हुई है, कि ये भी बची हुई हैं साइट्स। तो ये बहुत ज़रूरी था जो आज आपने ये ट्रैक का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़रूरी था कि अब जब इनकी डेवलपमेंट हो तो बिल्कुल एनवायरमेंटल कंट्रोल देखा जाए, बायलॉज बने, जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दी जाए जो आपने दिए आज, और ये सब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो जिधर बिल्डिंग्स ना बन जाएं बड़ी बड़ी। वहाँ जिस तरह आबिद आपने बड़ा अच्छा बताया कि और मुझे अपने स्वाद के अंदर आप ऊपर लेके गए, वो दिखाया भी है कि वो पॉट्स रखे हुए हैं जो रिमूवेबल, जिस तरह के मैं कीनिया सफारी पार्क्स में देखे हुए हैं, वो मूवेबल होते हैं, वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनते नेशनल पार्क्स के अंदर। उसी तरह ये इलाके बचेंगे तब कि आप इनमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स ना बनाएं, आप ऐसी जगह बनाएं जो कि कंक्रीट जंगल ना बन जाए, जिस तरह की अब मरी बन चुका है और जिस तरह के गलियात के अंदर बनते जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ कंट्री हेड वर्ल्ड बैंक के नाजी साहब ने कहा, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की कि ये टूरिज्म रिजॉर्ट्स तब कामयाब होती हैं, और वर्ड इस्तेमाल किया सस्टेनेबल, तब होती हैं जबकि मुकामी लोगों को फायदा हो। जब तक मुकामी लोगों को फायदा नहीं होगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, तो ये रिजॉर्ट ज्यादा देर चलेंगे नहीं आपकी। मुकामी लोगों को जब ये एहसास होगा कि यहां दरख्त ना कटें, क्योंकि अगर दरख्त कट गए तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो वो फिर वो दरख्तों को बचाएंगे। जिस तरह के चित्राल के अंदर आईबैक्स की प्रोटेक्शन की गई, एक वक्त पे आईबैक्स का जो पॉपुलेशन था वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन जब मुकामी लोगों को कहा गया कि अगर आप आईबैक्स बचाएंगे और इनमें से सिर्फ चुन चुन के हर साल में थोड़ों सो की ट्रॉफी हंटिंग की जाएगी और फिर उसका जो पैसा होगा वो कम्युनिटी में खर्च होगा, तो वो अब आईबैक्स का की इतनी ज़्यादा आबादी हो गई कि अब सड़क से आपको नज़र आते हैं खड़े होकर, आप आईबैक्स को देख सकते हैं। यही मॉडल सारी जगह हमें, जो जो टूरिज्म के लिए रिजॉर्ट सब खोलें, तो ये सारा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो मुकामी लोग हैं वो बेनिफिट करें उससे। तो वो दरख्त अगर बचाएंगे, गंदगी वो नहीं होने देंगे, वो दरियाओं को पलूट नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जितनी सफाई होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और उससे इलाके भी प्रिजर्व हो जाएंगे, और फिर हम जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिधर बड़ा मुश्किल है। यानी ये जितने भी आपने इलाके बताए, इधर बड़ा मुश्किल है, लोग शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो नौजवानों के लिए उन
इलाकों में अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल होता है, तो ये टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो इनको सस्टेन करेगी। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म एक साइंस बन चुकी है, और ये अब अगर आप कई जगह जाएं, मालदीव्स जाएं, तो ये सब साइंस है। केनियन सफारी पार्क चले जाएं या बाकी जो साउथ अफ्रीका में सफारी पार्क्स है, पूरी साइंस है कि कैसे वो अपने इलाकों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इलाके बचेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरी चीज जो हम सबको समझनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म एक्सप्लोड कर चुकी है। जितनी टूरिज्म आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज्म नहीं थी। बाहर से भी जो टूरिज्म आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अंदर पाकिस्तान के टूरिज्म है वो आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज्म नहीं थी। गर्मियों में सारे एक पूरा एक रश लग जाता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, ये ऊंचे जो इलाके हैं, गर्मी से लोगों ने बचने के लिए। और फिर उसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन किया टूरिज्म में। लोग जाते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो वो आपको अब कोई टूरिज्म के लिए इश्तिहार नहीं देने पड़ते। मोबाइल फ़ोन ही एक की वजह से टूरिज्म के ये जो स्पॉट्स हैं, ये सारी जगह एडवर्टाइज होते हैं। तो इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जिसमें पोटेंशियल है और अभी उसका सबसे कम उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान की टूरिज़्म है। नंबर वन है ये जो माउंटेन टूरिज़्म है, शायद ही दुनिया में इस तरह के पहाड़ों जो कि पाकिस्तान में और अनडिस्कवर्ड है। अभी भी हमारे इलाके ऐसे हैं जिधर लोगों को कोई नहीं पता कि किस तरह की खूबसूरती है वहाँ, क्योंकि वो भी इलाके बचे हुए हैं। और ये जो आपने सड़कों का आज ऐलान किया आबिद, ये सड़कें जब बनेंगी तो इसलिए आपको ये बायलॉज और सब कुछ बनाना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। जैसी सड़कें बनेंगी एकदम रश होगा इन इलाकों में, इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा बैठ के जब प्लानिंग कर रहे हैं आप कि किधर तक आपने गाड़ियों को आने देना है, कौन सी जगह प्रोटेक्ट करनी है, गाड़ियाँ उसके आगे नहीं जा सकती। और ये जो केबल कार की आपने बात की कुमराट के अंदर, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। और जो अभी एक और चीज़ पाकिस्तान में अभी बिल्कुल अनडिस्कवर्ड है वो स्कीइंग है। पाकिस्तान में जिस क्वालिटी की स्कीइंग है वो शायद दुनिया में भी नहीं है। और जैसे जैसे ये टूरिज्म के अंदर ये रिजॉर्ट्स बनती जाएंगी, तो इसके अंदर जो स्कीइंग है जो अभी तक बिल्कुल अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल है, मुझे पूरा यकीन है कि सारी दुनिया से ये लोग यहाँ स्कीइंग करने आएंगे। स्विट्ज़रलैंड के अंदर असल में स्कीइंग की वजह से लोग जाते हैं वहाँ सर्दियों में, और स्कीइंग से सर्दियों में हर साल 80 अरब डॉलर स्विट्ज़रलैंड कमाता है, 80 अरब डॉलर। तो सोचें हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर है, तो सिर्फ स्कीइंग से वो कमाते हैं। तो ये जो इलाका है सारा हमारा केपी का और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये स्विट्ज़रलैंड से दुगना एरिया है ये, और यहाँ स्कीइंग के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी स्लोप्स हैं। तो ये जब आप ये जो शुरू कर रहे हैं आप इनको रिजॉर्ट्स को डेवलप करना, तो गर्मियों के अंदर यहाँ वैसे टूरिस्ट जाएंगे गर्मी से बचने के लिए, और सर्दियों के अंदर स्कीइंग के लिए ये सारी रिजॉर्ट्स आपकी डेवलप हो जाएंगी। तो जो अब होटल्स भी बनाने हैं, जब आप क्योंकि आप इसकी पूरी इन इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पूरी फिजिबिलिटीज बनाएंगे, उन फिजिबिलिटी में होगा कि किस एरिया में कौन से किस किस्म की आपने होटल की इजाज़त देनी है, होटल की भी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी है, जिस तरह वो स्विट्ज़रलैंड में शैलेज होते हैं उस तरह आप बनाएंगे। और ये जो अब एक पूरा एक नया पोटेंशियल पाकिस्तान का सामने आने लगा, तो मैं आज ख़ास तौर पर आपको महमूद खान आपको मुबारक देता हूँ कि केपी ने इसमें लीड ली है, पख्तूनख्वा सबसे पहले वो चीज़ें करनी शुरू की है जो अभी तक पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई, क्योंकि आपने सबसे पहले रियलाइज़ किया कि इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है, इनकी जो आपने सारा वेस्ट डिस्पोजल का सारा जो प्लान बनाया हुआ है और वर्ल्ड बैंक के साथ और नेस्ले के साथ मिलके, ये सबसे पहले आप इस एरिया में आए हैं। और मुझे यकीन है कि अब नॉर्दर्न एरियाज़ क्या उसके ऊपर भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करेंगे वो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल है उसका।
तो मैं फिर से आप सबको मुबारक देता हूँ और मैं नेस्ले और वर्ल्ड बैंक को भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।